नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए मैं जो लेके आया हूं वह गोपाष्टमी के संबंध में, कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका प्रचलन कहाँ से हुआ था और इस दिन क्या किया जाता है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मैं आगे आने वाले समय में इसी तरह के आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होते रहेगा। तो चलिए चलते हैं गोपाष्टमी और उसकी ओर। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला का प्रारंभ किया था, जिसलिए इस दिन गोमाता की पूजा और सेवा का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद गाय और बछड़ों की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और उनके शरीर में रोली और चंदन के थापे भी लगाए जाते हैं। इस दिन गौ माता को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है और फिर दीप, धूप, रोली, अक्षत, गुड़, जलेबी आदि सामग्री के साथ पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है और इस दिन गौग्रास निकालने का विशेष महत्व है। इसके पश्चात गौ माता की परिक्रमा की जाती है और गौ माता के साथ थोड़ी दूर तक चलकर भी जाते हैं। गौ माता के साथ थोड़ी दूर तक चलने के बारे में शास्त्रों में यह कहा गया है कि इससे प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो इस दिन आप भी गौ माता की पूजा जरूर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि गोपाष्टमी मनाई क्यों जाती है, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया, उससे पहले उनके द्वारा छोटे बछड़ों को चराया जाता था, तो उनका मन हुआ कि अब मैं बछड़े न चराकर गायों को चराने ले जाऊं। तो जो उनके मन में इच्छा थी वह जाकर उन्होंने अपनी माता को बताया और माता ने उनसे कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम गाय नहीं चरा सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बार बार जिद करने के बाद जब वह नहीं माने तो उनकी माता ने बोला कि आप अपने बाबा को जाकर यह बात बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण फट से बाबा के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने बाबा से जब यह बात बोली तो उनके बाबा भी इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को मना कर दिया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी गाय नहीं हाँक सकते। तब भगवान कृष्ण ने बहुत आग्रह किया और बहुत बार बार कहने के बाद तब नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण से बोला गया, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो पहले पंडित जी को बुला के ले आओ और वह मुहूर्त निकालेंगे, उसी के बाद तुम गाय चराने जा सकते हो। तो इतना सुनने के बाद तुरंत भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पंडित जी से बोला, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गौचारण का मुहूर्त निकालना है और आपसे एक आग्रह भी है कि मैं गाय चराना चाहता हूं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आज ही का मुहूर्त निकल जाए और मैं उसके लिए आपको बहुत सारा माखन दूंगा। यह देखकर भगवान की आतुरता, गाय चराने के पीछे जो उनकी आतुरता थी उसे देखकर उनका मन पिघल गया और वह जब नंद बाबा के पास पहुंचे, उन्होंने वहां जाने के बाद जो अपना पंचांग था उनके पास, उसे बार बार देख रहे थे और गणना कर रहे थे, गणना कर रहे थे। तो नंद बाबा ने उनसे पूछा कि आप इतना क्या गणना कर रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि जो मुहूर्त आज है वह सर्वोत्तम है, आज का मुहूर्त सर्वोत्तम है गोचारण के लिए, इसके बाद जो मुहूर्त है वह 1 साल के पश्चात है, तो इसलिए अगर गोचारण प्रारंभ करना है तो आज ही से कीजिए। यह सुनने के बाद नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को गोचारण की अनुमति दे दी गई और यह तो हमें सबको पता है कि यह भगवान द्वारा रची गई एक छोटी सी लीला थी। वैसे भगवान जिस काम को जहां से शुरू करते हैं वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। तो वह यही दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी गोपाष्टमी।
तब से यह प्रचलन शुरू हो गया। गोपाष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है यह इसीलिए मनाया जाता है और हम लोग उसे आज तक मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरी द्वारा जो छोटी सी जानकारी आपको दी गई, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे आने वाले समय में मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।